जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षक सुंदरलाल भंवर, जिला पुलिस लाइन नीमच, मध्य प्रदेश। दोस्तों आज मैं आपको सीन पेन के बारे में बताने वाला हूँ कि सीन पेन क्या होता है, किस प्रकार होता है और किस प्रकार इसको हम दूर कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हम पूछते हैं कि सीन पेन क्या होता है, कहाँ पर होता है। सीन पेन एक ऐसी बीमारी दोस्तों, अगर आपके पास आपको हो जाती है तो उससे निकल पाना बहुत बड़ी मुश्किल है। उसके बाद आप दौड़ नहीं पाते हो, बहुत दर्द होता है। तो वो पहुँचते हैं हम सबसे पहले, ये दोनों पैर दिख रहे हैं आपको, ये इन दोनों के सामने वाली जो हड्डी होती है, इस हड्डी में जो दर्द होता है उस दर्द को बोलते हैं सीन पेन। तो दोस्तों ये प्रथम मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों होता है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि सब जहाँ आप दौड़ते हैं वहाँ का सरफेस सही स्टार्ट होना चाहिए। अगर सरफेस अगर स्ट्रांग हुआ है तो वहाँ होने की संभावना है, फर्स्ट हो गया। दूसरा ये है कि आपको जूते बिल्कुल हल्के पहनने चाहिए। पता चला आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले पहन लिए, मजबूत वाले जूते जिसमें टप टप की आवाज़ आती है, या घोड़े को जो नाल पिनाते हैं उस प्रकार से वो आवाज़ आती है, ऐसे जूते रहोगे तो उसका असर अगर आप यहाँ पे पड़ेगा तो उससे भी होने की संभावना है। तो इन चीज़ों का अगर आप अच्छे जूते पहने, अच्छे ग्राउंड में दौड़े, और उसके अलावा जितनी भी रनिंग होती है रनिंग को पंजों पर करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ हो गया कि ये किस प्रकार हो सकता है। अब इस चीज़ से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, उस चीज़ के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप निजात पाने के लिए अच्छे से जूते पहने, अच्छे से ग्राउंड में दौड़ें। उसके अलावा जो मैं उपचार बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे सीन की हड्डी है, ये दोनों हड्डी है, इन दोनों हड्डी में अगर यदि मतलब जो मांस है इसके आसपास का, इसमें सूजन रहता है, तो आप सूजन के समय अगर उसको अगर सूजा हुआ है या फैला हुआ है तो उस समय आप ठंडे पानी की सिकाई या बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। यदि आप बर्फ़ की सिकाई करेंगे तो हमें सर ठंडक किसी चीज़ को लगेगी तो वो सिकुड़ेगी, तो जो सूजन है वो आपका सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अगर सूजन नहीं हो और दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी से इसकी सिकाई कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके अलावा अगर आपको सीन पेन हो रहा है, एक या दो दिन हुआ है, तो आप उसको गंभीर अवस्था में नहीं जाना है, आपको रुक जाना है और एक दो दिन का रेस्ट देना है। उसके बाद देखना है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, और उसकी कुछ एक्सरसाइज आपको मैं लिंक में दे रहा हूँ, तो उस लिंक में जाके आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीन पेन से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा किसी को ज़्यादा दिक्कत हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप कोई भी फिजियोथेरेपी रहता है उससे जाके मिल लीजिए कि ये दिक्कत है, तो वो सोल्व करेंगे। लेकिन जो मैंने बताया है सबसे पहले आपको वो कोशिश करना है। और एक और जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप यदि कोई से भी ग्राउंड में जाते हैं, सोचते हैं कि मैं आज ही 5 किलोमीटर दौड़ लूँ, आज ही 1500 मीटर दौड़ लूँ, आज ही 800 मीटर की टाइमिंग निकाल लूँ, तो दोस्तों जो महीनों से जो आदमी मेहनत कर रहा है बेचारा, एक वो भी दौड़ रहा है और उसका टाइमिंग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि एक दिन में कोई कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आप अपने पाँव हाथ को नुकसान कर बैठेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, किसी ट्रेनर का सहारा लीजिए, आपको सीन पेन नहीं होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।